हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए तीन तीन शेयर की एसआईपी। अगर आप देखोगे टोटल इन्वेस्टमेंट आपका यही 45-50 मतलब 4.5-5 हज़ार के आसपास बैठेगा एसआईपी में। तीन तीन शेयर की एसआईपी आप इस शेयर में, मतलब शेयर ज़बरदस्त अल्टीमेट और ज़बरदस्त शेयर में मिलने वाला है एंट्री का मौका। एंट्री का मौका मतलब जब शेयर अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, सपोर्ट लेवल के आसपास आता है, थोड़ा गिरावट होती है, ज़बरदस्त शेयर जब ऐसी गिरावट के दौर से गुजरते हैं तो उसमें एक बहुत बढ़िया मौका मिलता है एंट्री का। तो चलिए बात करते हैं शेयर की, कौन सा है ये शेयर। FMCG सेगमेंट का बहुत बड़ा शेयर है ये। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब हम जानते हैं फंडामेंटल, टेक्निकल एंड लेटेस्ट न्यूज़ इस शेयर के बारे में। तो ये शेयर कोई और नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड देखें, अगर आप FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेगमेंट में टॉप का स्टॉक है। ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया, आपने नाम सुने होंगे अलग अलग। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात ही कुछ और है। इतने ज़बरदस्त तरीके से इसने मार्केट बना रखी है, मार्केट कैप्चर कर रखा है। और सबसे मेन बात, बिल्कुल जीरो डेट की कंपनी है। अर्निंग पर शेयर बढ़िया, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, नो डाउट। अगर आप इसके बेस पर देखोगे, सेल्स ग्रोथ भी बेहतरीन इस लेवल के स्टॉक के लिए। अब आपको मैं स्टॉक में खास बात दिखाता हूँ। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस देखिए इसके, कहाँ 12,000 करोड़, कहाँ आज की डेट में 37-38 हज़ार करोड़ का रिवेन्यू। नेट प्रॉफिट देखिए ज़बरदस्त। अब आपने सारी चीज़ें देखी, लेकिन लाइम लाइट में चल रहा है ये शेयर, क्यों चल रहा है वो देखिए भैया। अभी देखिए बॉयकॉट हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिल्कुल हैशटैग चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्या कारण है भाई, ये क्यों चलने लग गया? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अभी अपने ऐड में, अपनी जो कैंपेन बनाई थी उसमें कुछ कुंभ मेले से रिलेटेड कुछ गलत कह दिया था। मतलब कुंभ मेला इज अ प्लेस वेयर ओल्ड पीपल गेट अबंडेंट, इजेंट इट सैड दैट वी डोंट केयर ऑफ आवर एल्डर्स, इस तरीके से कहा था भाई। अब ये चीज़ है, मतलब कि ये चीज़ कहा था तो अब भाई अपने कैंपेन के जरिए वो ये चीज़ कह रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों को बहुत बुरा लगा इस चीज़ का। तो उन्होंने भैया बॉयकॉट हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इस चीज़, ऑल दो उसने अपनी ये चीज़ हटा दी है, ये कैप्शन हटा दिया, ये ट्वीट हटा दिया है, लेकिन इसके चलते अब शेयर में गिरावट आने वाली है। आप खुद देखिए, अगर आज की डेट में सिंगल डे का अगर आप प्राइसिंग देखें तो बिल्कुल हिंदुस्तान यूनिलीवर आज देखिए बिल्कुल 1718 से गिरा नीचे, 1706 आया और नीचे गिरते गिरते 1702 तक आया था। अब कुछ दिन में ऐसा लग रहा है कि इसमें और गिरावट आ सकती है। अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखें तो ज़बरदस्त स्टॉक है, नो डाउट। अब ये देखिए बिल्कुल अगर इस ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन के आसपास पहले आया था, जो कि 1500-1550 का लेवल था, लेकिन अब गिरावट और चल रही है। और वापस देखिए बिल्कुल ये रेड कैंडल, आपको वीकली कैंडल सारे रेड दिख रहे हैं, कोई भी ग्रीन नहीं दिख रहा पिछले 4 कैंडल में से। अभी अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे, मुझे तो अभी भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बुल्स बिल्कुल डाउन है, बियर फेज आ चुका है स्टॉक में। और इसका जो ट्रेंड लाइन के आसपास का दिख रहा है, जो कि 1680 का लेवल दिख रहा है, जो इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है, इसको मिल सकता है। लेकिन ये जो बॉयकॉट हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसके चलते शेयर में और गिरावट आ सकती है। और ये अपना सपोर्ट जो 1550 के लेवल का सपोर्ट है, यहाँ तक भी आ सकता है। तो आप देखिए भैया, ये बुरी न्यूज़, शेयर में गिरावट आएगी तो आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है यहाँ पे। तो चलिए बढ़िया बात है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने डिस्कस किया, आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताई। आप शेयर में देखिए, इतना ज़बरदस्त शेयर है, जब गिरावट आएगी तो थोड़ा थोड़ा करके SIP मोड में, जैसे ऑल दो अभी 1700 का है, तो अगर आप 1600-1650 के लेवल पे इसमें बाइंग उठा रहे हैं तो कम शेयर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा शेयर की एंट्री, ताकि अगर और नीचे गिरे तो आपको और मौका आपके पास रहे इन्वेस्टमेंट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज वन ऑफ द टॉप FMCG कंपनी इन इंडिया। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।